दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ घोषित हुई भारतीय टीम, तो न्यूजीलैंड दिग्गजों ने दी भारतीय टीम को धमकी। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली सीरीज से पहले ही न्यूजीलैंड के दिग्गजों ने भारतीय टीम को धमकी देते हुए बयान जारी किया है, जिसमें अपने बयान में न्यूजीलैंड के दिग्गजों ने भारत को जमकर खरी खोटी सुनाई है और कुछ ऐसे अपमानजनक बातें कही हैं भारतीय टीम के खिलाफ, जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार न्यूजीलैंड के दिग्गजों ने भारतीय टीम को धमकाते हुए कौन सा बड़ा बयान जारी किया है, जाने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में रोमांचक वनडे सीरीज खेली जा रही है, जहां पर भारतीय टीम ने 2-0 से अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। अब ऐसे में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ सीरीज समाप्त हो जाने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 जनवरी से वनडे सीरीज खेलने वाली है, जो कि 24 जनवरी तक चलने वाली है, और इसके बाद 3 मैचों की T20 सीरीज भी खेली जाएगी, जो 27 जनवरी से 1 फरवरी तक चलेगी। और इसी बीच न्यूजीलैंड सीरीज के लिए BCCI ने अपनी पूरी की पूरी टीम का ऐलान कर दिया, जिसमें भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा को दी गई है, तो वहीं विरोधी टीम की कप्तानी टॉम लैथम करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और इस सीरीज के शुरू होने से पहले ही और भारतीय टीम को देखते हुए न्यूजीलैंड के दिग्गजों ने भारतीय टीम के खिलाफ धमकी भरा बयान जारी किया है, जिसमें डेनियल विटोरी ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज काफी ज्यादा रोमांचक होने वाली है, लेकिन इस सीरीज में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड से बचकर रहना होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम इस बार काफी ज्यादा मजबूत है। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम में अनुभवी खिलाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड की टीम जीत दर्ज करने का दम खम रखती है। और इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम में न्यूजीलैंड के सामने खड़े होने का दम नहीं है। जहां पर आंकड़ों की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की टीम के सामने भारतीय टीम काफी कमजोर है, ऐसे में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड से बचकर रहना पड़ेगा। इसके अलावा रॉस टेलर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए ये सीरीज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, जो टीम के प्रदर्शन को सभी के सामने स्पष्ट कर देगी, और ऐसे में भारतीय टीम की असलियत भी न्यूजीलैंड की टीम के सामने आ जाएगी। और इसके अलावा उन्होंने बयान देते हुए ये भी कहा कि न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से अनुभवी खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और भारतीय टीम को हराकर भारत की असली औकात दिखा देंगे, ऐसे में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड से बचकर रहने की पूरी जरूरत है। इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ब्रैंडन मैकलम ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए ये वनडे सीरीज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय टीम को देखते हुए लग रहा है कि भारतीय टीम सिर्फ सीरीज में खेलने के लिए आ रही है, ना कि सीरीज को जीतने के लिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के उन खिलाड़ियों को BCCI ने शामिल ही नहीं किया, जिनके दम पर पिछले कुछ मुकाबले भारतीय टीम ने जीते हैं। अब ऐसे में उन खिलाड़ियों के ना होने से भारतीय टीम काफी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है, और इन्हीं गलतियों के कारण भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम के सामने भारतीय टीम जीत दर्ज कर सकती है या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।